नमस्कार किसान भाइयों, आज के मंडी भाव में सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के लिए हम आपके लिए लेके आए नीमच मंडी अपडेट। नीमच मंडी अपडेट में बात कर ले हम सबसे पहले गेहूँ की, और सबसे पहले तो हम बात कर ले तेजी और मंदी की, क्या चीज़ की तेजी रही और क्या मंदी रही। तेजी मंदी में अलसी, उड़द, कलौंजी, धनिया, पोस्ता दाना और रायड़ा, सोयाबीन में आई तेजी। वहीं हमें तारामीरा और तिल देखने को मिली नरमी। तो सबसे पहले हम बात कर ले गेहूँ मिल की, 1700 रुपये से लेकर 2020 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिला। वहीं हम एवरेज की बात कर ले 2020 से 2060 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं लोगबन की बात कर ले तो लोगबन हमें 2060 से 2211 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला। वहीं मक्का 1323 रुपये से 2050 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिली। वहीं अश्वगंधा की बात कर ले 5000 से 28600 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें अश्वगंधा देखने को मिला। साथ ही किसान भाइयों हम बात कर लें अश्वगंधा पत्ती की, 200 से 500 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिली। वहीं अजवाइन की बात कर ले तो एवरेज का भाव रहा 9500 से 12000 रुपये प्रति क्विंटल। साथ ही हम बात कर ले ग्रीन की तो 12000 रुपये से लेकर 14221 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिला। वहीं अलसी 7200 रुपये से लेकर 9257 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें अलसी देखने को मिली। इस बगोला की बात कर ले तो इस बगोला हमें 10750 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिला। और साथ ही हम बात कर ले उड़द की तो 3101 रुपये से लेकर 7500 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें उड़द देखने को मिली। वहीं सोयाबीन की बात कर ले तो 5000 बोरी की आवक रही, जिसमें ऊपर में हमें 6453 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिला। दागी माल 5000 से 6300 रहा और बढ़िया माल 6300 से 6500 के बीच में रहा किसान भाइयों। साथ ही हम कलौंजी की बात कर ले 11000 रुपये से लेकर 17000 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिली। धनिया की बात कर ले तो धनिया 6000 रुपये से लेकर 6000 रुपये से लेके 7500 रुपये प्रति क्विंटल रही। मैं ग्रीन की बात कर ले 7500 से 8001 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिला। मेथी का भाव रहा किसान भाइयों 3500 रुपये से लेके 6100 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं मूंगफली का भाव रहा 3700 रुपये से 5440 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं तारा मीरा का भाव रहा 4100 से 5000 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें देखने को मिला। दिल्ली की बात कर ले 7600 रुपये से 10251 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिला। वहीं रायड़ा हमें 5751 रुपये से 6901 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिला। चना की बात के लिए 3840 रुपये से 4501 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिला। वहीं डालर चना हमें 4200 से 8000 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिला। चिरायत की बात कर ले तो 1000 रुपये से लेकर 1720 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें चिरायत देखने को मिली। प्याज की बात कर ले 200 रुपये से 2221 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें प्याज देखने को मिला। लहसुन की बात कर ले तो 8000 बोरी के लगभग आवक रही, जिसमें देसी माल 3000 रुपये बिका। वहीं फूटा माल 400 रुपये से 800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। छल्ली माल 800 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें फूटा माल लहसुन का देखने को मिला। साथ ही हम बात कर ले मीडियम माल की, तो मीडियम माल हमें 1000 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिला। लड्डू माल 1200-1600, फूटा लड्डू मिक्स माल 1600-2100 और फूला गोला मोटा मिक्स माल 2100 से 3200 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा। ऊटी का माल की बात कर ले तो हमें ऊपर में 4000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला, मीडियम में 1000 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिला। पोस्ता की बात कर ले तो आवक की बात करें तो 60 बोरी की आवक रही, जिसमें बाजार तेज रहा। टीना पोला 1,56,000 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिला। चालान सार 98,001 रुपये से लेके 1,18,000 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा। वहीं चालान सार 1,18,000 रुपये से 1,25,000 रहा। मीडियम 1,25,000 से 1,35,000 रहा। और वहीं सेमी 1,35,000 से 1,45,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं टीना पोला 1,45,000 से 1,56,000 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें देखने को मिला। किसान भाइयों, हम सिर्फ मंडी का भाव बताने का कार्य करते हैं। जो भाव लेते हैं वो हमारे पास साइट और मंडी अपडेट एप्लीकेशनों से मिलता है। इसलिए जो भी आप व्यवसाय और व्यापार करें वो अपने स्वयं के विवेक के अनुसार करें, हमारे ऊपर न लें। धन्यवाद।